अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ विंडोज 10 की 4 जबरदस्त टिप्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉपी एंड पेस्ट की। क्या आप भी कॉपी और पेस्ट कंट्रोल वी से करते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं इधर ABC लिखता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी तरह करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल कॉपी और पेस्ट करना हो तो फिर आप क्या करते होंगे, इस तरह कॉपी करते होंगे और पेस्ट करते होंगे। हमें विंडो 10 इजाज़त देता है कि हम इसमें क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकें। उसको किस तरह यूज़ करते हैं, आपने इधर सिंपल विंडोज़ प्लस वी आपने प्रेस करना है और इसको आपने इधर से टर्न ऑन कर देना है। अगर आपके पास इस तरह नहीं आ रहा क्लिपबोर्ड, ये आपके पास आ गया है क्लिपबोर्ड सेटिंग, इसको आपने क्लिक करना है और इधर से आपने इसको ऑन कर देना है। अब अगर आप इधर जाएं और इधर विंडो प्लस वी प्रेस करें तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। यानी कि अगर आप इधर एक और लाइन लिखते हैं, एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, फर्स्ट मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, फिर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, अब मैं विंडो प्लस वी दबाता हूँ तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगी हिस्ट्री कंप्लीट। अब आपने इसको जहाँ पर पेस्ट करना है वहीं पर कर सकते हैं और इसको आप इधर पिन भी कर सकते हैं, जो आप बाई डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं इधर से पिन कर दें। तो अब हमारे पास ये वाला लास्ट होगा जो आप पिन करेंगे। क्या आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं और इसके लिए आप इंटरनेट से कोई ना कोई टूल डाउनलोड करते हैं, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। विंडोज में आपके पास बिल्ट इन भी होता है। आपने इधर सिंपल क्विक असिस्टिव टाइप करना है और आपके पास ये कोई असिस्ट आ जाएगा। तो इधर आपने असिस्ट अनदर पर्सन पर क्लिक करना है, अपना ईमेल टाइप कर देना और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और इधर आपने अपना पासवर्ड। तो इसके बाद ये आपके पास कोड आ जाएगा। तो ये आपने काम पर टाइप करना है। मैं इधर ही एक और जल्दी से ओपन कर लेता हूँ कोई असिस्ट। तो ये आपके पास इधर आ रहा है कोड फ्रॉम असिस्ट, जिससे आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं उसका आपने कोड इधर टाइप कर देना, आपकी स्क्रीन दूसरे के साथ शेयर हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड टिप है नाइट लाइट। तो नाइट लाइट हमारे पास आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप अंधेरे में लैपटॉप ज्यादा यूज करते हैं तो उस टाइम हमारे पास काम आती है। तो इसको आप इधर गो टू सेटिंग्स में जाकर इधर से ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा आप इधर से नाइट लाइट सेटिंग्स पर जाकर इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि ये आप किस तरह करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास फोर और लास्ट टिप है कि अगर आप अपने डेस्कटॉप में से सारे आइकॉन्स हाइड करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। आपने सिंपल व्यू में जाना है और इधर शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को अनचेक कर देना, तो ये आपके पास हाइड हो चुके हैं। अगर आप दोबारा लाना चाह रहे हैं तो व्यूज में जाकर इसको शो डेस्कटॉप आइकॉन्स कर देना, तो ये आपके पास शो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।